20/21 की रात्रि में अक्टूबर महीने में अभिजीत यादव नामक युवक की हत्या हुई थी। उनके परिवारजन कोई कार्रवाई उसमें नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, किंतु पुलिस ने उनका पीएम करवाया था। पीएम में उनकी गला दबाकर हत्या होने की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर उनकी माँ को साक्ष्य के आधार पर धारा 302 के अंतर्गत चालान किया गया था। उसमें विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि इसमें उनका घरेलू नौकर जिसका नाम सर्वेश कुमार है वो भी संलिप्त था। उसके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसी आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया गया है। इस आधार पर उसके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है।